सिख ले जाए। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शह और सिग्नेचर पान मसाला, द टेस्ट ऑफ विक्ट्री। आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज सच के साथ। धन्यवाद देती हूं मैं उन सब लोगों का जो लगातार बहुत देर से यहां बैठे वेट कर रही हैं, उनका भी थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, वेट करिए, अभी सब आपका जो है वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उसके बाद अपनी बात को मैं रखूंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे उस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, वॉइस में रिकॉर्डिंग हुई थी जिनका उन्होंने फॉलो किया, हम आज तक कर रहे हैं। जो अभी पुलवामा में अटैक हुआ उसमें जो कुछ भी हुआ आप तक उससे रिलेट है, किसी को पाकिस्तान से वापस लेके आना शायद इसी गवर्नमेंट में लिखा था, मोदी जी के ही होना था। उस सबके लिए चाहूंगी अभिनंदन जी के 1,500 का कैबिन कर रहे और मोदी जी के लिए कैबिन कर रहे। पहले ऐसी तेज की मुझे सुनाई थी कच के, और अभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोगों जैसे पता है कि हम लोग सब उज्ज्वला योजना के तहत इकट्ठे हुए हैं। कुछ लाभार्थी जिनको रजिस्ट्रेशन अभी पहले हुआ था उनको अभी यहाँ पे सिलेंडर और गैस वितरण होगा, और कुछ लोगों का वितरण, कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन आज कल और परसों 3 दिन हो सकता है। तो आपके आस पास जो लोग रहते हैं उन सबको आप जिनके पास उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिलने की है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है लेडीज के पास, दिवेश मिश्रा जी उसका भी स्वागत है, आलोक मिश्रा जी का स्वागत है। ये सच्चे विधायक आदरणीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी हमारे दिलों में, और हम सबको एक सूत्र में बांधने वाले हमारे प्रभारी मान सिंह जी, हमारे पश्चिम विधानसभा मंडल 3 के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर यूएन पांडे जी, हमारे मंडल 1 के मंडल अध्यक्ष गर्जी निगम जी, हम सबके सहयोगी और हर कदम पे अपना साथ देने वाले बड़े भाई अन्नू मिश्रा जी, नगर अध्यक्ष जया शुक्ला जी, और राजाजीपुरम क्षेत्र में हम सबके गार्जियन आदरणीय मेरे पास जी अनिता जयसवाल जी। वैसे तो यह प्यार यह सम्मान शायद इसीलिए दिख रहा है, और विशेष रूप से जिनका नाम मैंने सूची में नहीं लिया क्योंकि पूरे कार्यक्रम का एक ये अतिथि बनाकर मुझे लेते आए हैं, पर अगर पूरे कार्यक्रम का कोई दूल्हा है तो वो यहाँ मेरे बगल में खड़ा हुआ शिवपाल सावरिया। मैं यही बात कह रहा था कि जिस तरीके से मैं इस क्षेत्र में देखता हूं, यह जनता के बीच में रहकर बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना, एक जनता और प्रतिनिधि का रिश्ता नहीं, जब इस क्षेत्र में आकर देखता है तो देखता है कि पूरा राजाजीपुरम एक परिवार के रूप में बंधा हुआ दिखाई देता है। पिछली बार भी यही कह रहा था कि जो अकड़न तो सभी में होती है पर झुक कर वह चलता है जिसको रिश्तों की फिक्र होती है। तो ये रिश्तों की फिक्र करते हैं, अपने क्षेत्र की जनता की फिक्र करते हैं, और हर एक दरवाजे पर जाकर ये जो एक एक पत्थर आपको दिखाई दे रहा है या एक एक दरवाजे पर खटखटा खटखटा कर आपका प्रतिनिधि इस कार्य को लेकर आया है और आपको समर्पित कर रहा है। यह एक एक दरवाजे पर जाकर इस क्षेत्र के लिए जो भी कार्य बन पड़ा उसको लाने का काम किया है। हमारे विधायक जी सदैव इस क्षेत्र के लिए विकास के जो भी कार्य होते हैं उसमें बराबर उनके तरफ से आशीर्वाद प्राप्त होता है, पर सही बताऊं तो उनके भी हाथ और पांव का काम अगर इस क्षेत्र में कोई कर रहा है
तो हमारे पार्षद शिवपाल सावरिया जी कर रहे हैं और उन्होंने राती दिन महिलाएं तो कैसे चूल्हे जो चूल्हा था उसके धुएं से आंख उनकी खराब हो जाती थी। इस दर्द को पहचानना और इस दर्द को पहचान नहीं पहचान सकता है जो एक गरीब होता है। एक गरीब प्रधानमंत्री ने इसको पहचाना और इसके पहले भी सरकारें थी लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की योजनाएं नहीं चलाई। ये उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये तमाम सारी जनधन योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है। और मैं तो बताता हूँ कि सारे देश के अंदर सबसे ज्यादा खुश अब महिलाएं हैं क्योंकि अधिकतम योजनाएं महिलाओं के लिए मोदी जी ने लागू की है। बताता हूँ कि कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र का मजाक उड़ाने के समान है। सभी लोग जानते हैं क्या वहाँ पर पंडित हुआ और किस प्रकार से शौर्य और साहस का परिचय सेना ने दिया है, यह वह भी जानते हैं, पर उनकी चुनावी मजबूरियां हैं तो शायद वह विरोध कर रहे हैं। उज्ज्वला जो योजना है इसको लेकर आप क्या अपना बताएं, इसके बारे में आप क्या? उज्ज्वला जिस प्रकार से आदरणीय विधायक जी ने बताया, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, गरीब महिलाएं जिनके फेफड़े चूल्हों पर खाना बनाते हुए खराब हो जाते थे, ऐसे महिलाओं का दर्द हमारे प्रधानमंत्री ने समझा और आज करीबन 3 करोड़ परिवारों के अंदर यह गैस उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस उपलब्ध है। और इसी प्रकार से कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे सौभाग्य योजना, आयुष्मान योजना, इन सभी योजनाओं का गरीब मजबूर लोगों तक यह योजनाएं पहुंच रही हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं।